अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस, क्या हो रहा है। मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं सैर सपाटा। वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज पाकिस्तान में और यूके में और जहां जहां भी दुनिया में आप लोग ईद मना रहे हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। एंजॉय दिस बिग डे और इंशाल्लाह हैव लॉट्स ऑफ फन, मेक लॉट्स ऑफ मेमोरीज एंड हैव क्वालिटी फैमिली टाइम। आज हमारा ईद का सेकेंड डे है और कोई बड़ा प्लान नहीं है अगेन, तो हमने सोचा कि आज वेदर अच्छा है सो लेट्स डू बारबेक्यू। तो आज हम बारबेक्यू करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ उसकी छोटी सी वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, जी काफी जबेंगो, काफी मस्त मौसम हुआ हुआ है, खतरनाक किस्म की धूप निकली हुई है, सर्दी का नामो निशान नहीं है, काफ़ी वार्म है आज और वी आर ऑल सेट फॉर बारबेक्यू इंशाल्लाह। बस अभी थोड़ी सी देर में स्टार्ट करते हैं, वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ और फिर जो है ना साथ साथ आपको बोटी बोटी दिखाएंगे, बोटी बोटी। लास्ट मोमेंट में हमने अपना जो है वो वेन्यू चेंज किया है, मेरे घर से जो है हमने गुलिस्तान मुर्तज़ा कर लिया क्योंकि हमारी मर्जी। आज पार्टनर इन क्राइम साद मुर्तज़ा और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे चैनल के सबसे बड़े फैन मिस्टर मोमिन। हेलो मिस्टर मोमिन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आ जाए जी, आ जाए दो बोटियां अच्छी सेकने के बाद मुझे लगा कि मैं हो गया सॉल्ट ब्रे और साद ने मुझे बोला चलें भाई इसका ढक्कन जो ना खोल के इसको थोड़ा प्रेजेंट कर दें नुसरत की तरह, और इस चक्कर में जो है ना हमारा चीज़ एनी टाइम गिरने वाला था, वो तो बचत हो गई बस। भाई पर्सनली हम तो बारबेक्यू के बहुत बड़े फ़ैन हैं और अगर ईद हो बकरीद हो उस पर तो मतलब मौका भी बनता है ना यार, मतलब क्यों ना बनाएं और क्यों ना खाएं। और यहाँ पर तो यूके के अंदर थोड़ा सा सनी वेदर हो जाए, थोड़ा सा वार्म वेदर हो जाए और आप बारबेक्यू ना करें तो मतलब आपने क्या किया। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, एक तो मैं वैसे ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बारबेक्यू का और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बहुत बेहतरीन तरीका है कनेक्ट करने का, क्योंकि जब हम बारबेक्यू करते हैं सारी फैमिलीज़ मिलजुल जाती हैं, चाहे आपके अगर फैमिली बड़ी है तो फैमिली साथ हो जाती है, दोस्तों को बुला सकते हैं और मिलजुल के हंसी मजाक चलता रहता है, खवातीन अपनी लगी रहती हैं, बच्चे अपना खेलते रहते हैं और जो मर्द हज़रात हैं वो बोटियाँ सेकते रहते हैं और साथ में चखना चखाना चलता रहता है, बातें गपशप चलती रहती हैं, तो एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है कनेक्ट करने का, तो आई पर्सनली लव इट। ये जो एक आइटम है ना गाइज, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है हलूमी चीज़, ग्रिल चीज़, और ये ऐसी है ना कि बस क्या कहिए, ग्रिल चीज़ क्या है आप मेरी। ये है हलूमी चीज़, रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसी फील होती है। ये हमारा नेक्स्ट आइटम है भाई, चिकन विंग्स, लगाते हैं इसको भी। ये हमारा सेकंड लास्ट आइटम चिकन विंग्स। ये हमारा लास्ट आइटम कबाब्स। होए होए होए, कबाब चेक कीजिए भाई, कबाब चेक कीजिए, मजा ना आए तो अंकल को पकड़ लीजिए। अरे भाई बहुत ही खानदानी कबाब है भाई। जी गाइस, ये था हमारा बारबेक्यू, आज मजा आया और बहुत बहुत खा लिया, मलाई बोटी थी, विंग्स थे, कबाब्स थे और
उसके बाद चटनी सैलेड कॉब्स वगैरह हम लोगों ने जो है वो सारी चीज़ें रेडी की हुई थी और ठंडी ठंडी कोक। तो ये था हमारा सीन। मैंने कहा छोटी सी वीडियो ऐसी शेयर कर दूँगा, आज हमारा ईद का डेट हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं, हो गया ख़त्म हो गया। और अब दिल कर रहा है कि बस मज़ेदार सी दूध पत्ती हो और थकल निकल जाए सारी। तो चलें अगले वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।